hello children this is achilles sir with a new video children in this video we are going to study storage of grains this is seventh step of farming children before we start this seventh step of farming let's recap about our previous video children in the previous video we understood about harvesting and threshing and harvesting festivals so children it's time to understand storage of grains which is the seventh step of farming let's start children storage of produce is a very important task if the harvested grains are to be kept for longer time they should be safe from moisture insects rats and microorganisms but so storage kamathlathotha ekathakarna स्टोरेज एक बहुत ज़रूरी प्रोसेस होता है क्योंकि जो फ़सल या अनाज हमने खेतों में उगाया होता है और जब वो बड़े हो जाते हैं उसकी कटिंग हो जाती है तो समय आ जाता है उसके इस्तेमाल करने का तो इस्तेमाल करने से पहले उसे स्टोर किया जाता है तो स्टोर करने के लिए और उसे सुरक्षित रखने के लिए लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उसे कीड़े मकोड़ों से बचाना पड़ता है चूहों से बचाना पड़ता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से बचाना पड़ता है ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव जंतु बहुत छोटे जीव जंतु और हमें उसे नमी से भी बचाना पड़ता है ताकि हम उस अनाज के दानों का खाने के लिए सही से इस्तेमाल कर सकें हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर फसलों की कटाई के बाद यानी कि हार्वेस्टिंग के बाद और थ्रेसिंग के बाद जो अनाज के दाने होते हैं उन अनाज के दानों में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर यानी कि नमी होती है सो बिफोर स्टोरिंग द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम दिस प्रिवेंट्स द अटैक बाय इंसेक्ट पेस्ट्स बैक्टीरिया एंड फंगाई बच्चों अनाज के दानों को स्टोर करने से पहले उसे धूप में ठीक तरह से सुखाया जाता है ताकि उसमें से नमी मॉइस्चर कम हो जाए बच्चों धूप में सुखाने से एक और फायदा भी होता है कि उसमें फंगी बैक्टीरिया और कीड़े मकोड़ों का अटैक नहीं होता नाउ चिल्ड्रन लेट्स टेक द क्वेश्चन ऑफ पहेली पहेली इज आस्किंग समथिंग पहेली इज सेइंग आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीट आई वंडर वाई बच्चों आगे समझने से पहले हम पहेली का एक सवाल ले लेते हैं पहेली कुछ पूछ रही है देखते हैं पहेली क्या पूछ रही है पहेली कहती है कि मैंने अपनी माँ को एक लोहे के ड्रम में आयरन ड्रम में जिसमें कि गेहूँ रखा हुआ था उसमें ऊपर से नीम की पत्तियाँ रखते हुए देखा अब मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि नीम की पत्तियाँ मेरी माँ ने उसमें क्यों रखी होंगी सो द आंसर ऑफ पहेलीज़ क्वेश्चन इज ड्राइड नीम लीव्स आर एक्चुअली इंसेक्टिसाइड्स। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम बच्चों पहेली के सवाल का जवाब ये है कि जो सूखी हुई नीम की पत्तियाँ होती हैं वो असल में प्राकृतिक कीटनाशक दवा होती है कीटनाशक दवा यानी की कि कीड़े मारने की दवा बच्चों हम अपने घरों में अनाज के दानों को सुरक्षित रखने के लिए उसे स्टोर करने के लिए और कीड़ों से सुरक्षित रखने के लिए नीम की सूखी पत्तियाँ उसके ऊपर से रख सकते हैं ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं कि एक बर्तन में चावल रखा हुआ है यानी कि स्टोर किया हुआ है और उसके ऊपर नीम की पत्तियाँ रखी हुई हैं ये नीम की पत्तियाँ चावल को सुरक्षित रखेंगी कीड़ों से फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स और मेटालिक बिन्स हावेवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज डन इन सिलोज एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट दैम फ्रॉम पेस्ट्स लाइक रैट्स एंड इंसेक्ट्स किसान अनाज के दानों को जूट की बोरियों में इकट्ठा करते हैं या स्टोर करते हैं और बड़े पैमाने पर अनाज के दानों का जो स्टोरेज होता है वो या तो सीलोज में होता है या तो ग्रेनरीज में किया जाता है ताकि उसे कीड़े मकोड़ों से चूहों से बचाया जा सके चिल्ड्रन यू माइट बी थिंकिंग डेट वाट इज़ सिलो सो चिल्ड्रन, लेट्स अंडरस्टैंड वाट इज़ सिलो ए टॉल टावर और पिट ऑन ए फार्म यूज़ टू स्टोर ग्रेन बच्चों जो सिलो होता है वो एक लंबा सिलेंड्रिकल टावर होता है जिसमें अनाज को इकट्ठा किया जाता है ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें सिलो दिखाया गया है सिलो जो एक लंबा सिलेंड्रिकल टावर होता है उसके अंदर अनाज के दानों को स्टोर किया जाता है नाओ चिल्ड्रेन लेट्स अंडरस्टैंड वाट इज़ ग्रेनरी ग्रेनरी इज़ ए स्टोर हाउस फॉर थ्रेस्ट ग्रेन बच्चों ग्रेनरी भी एक स्टोर हाउस होता है जिसमें अनाज के दानों को इकट्ठा किया जाता है ये देखिए बच्चों जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं इसमें एक ग्रेनरी दिखाया गया है जिसके अंदर बहुत सारी अनाज की बोरियाँ रखी गई हैं ये सारी बोरियाँ जूट की बनी हुई हैं जूट की बोरियाँ हैं और इसमें अनाज इकट्ठा किया गया है नाव लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एनिमल हजबेंड्री एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड शेल्टर एंड केयर वेन दिस इज़ डन ऑन ए लार्ज स्केल इट इज़ कॉल्ड एनिमल हजबेंड्री बच्चों जब हम किसी पशुओं को या जानवरों को बड़े पैमाने पर पालते पोसते हैं उसे खाना देते हैं उसे रहने के लिए घर देते हैं और उसकी पूरी देखभाल करते हैं ताकि उससे बाद में कोई फ़ायदा लिया जा सके कोई काम लिया जा सके तो इसे एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं बच्चों कि गायों का पालन पोषण हम इसलिए करते हैं ताकि उससे दूध हासिल कर सकें और बच्चों अब इस पिक्चर में देखिए मुर्गियों का पालन पोषण हम इसलिए करते हैं ताकि उससे अंडे हासिल कर सकें और बच्चों अब आप इस पिक्चर में देखिए भेड़ों का पालन पोषण हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें से ऊन हासिल कर सकें नाव द लास्ट टॉपिक ऑफ द लेसन क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट इज फूड फ्रॉम एनिमल्स चिल्ड्रन यू मस्ट हैव सीन दैट लाइक प्लांट्स एनिमल्स ऑल्सो प्रोवाइड आज विथ डिफरेंट काइंड ऑफ फूड बच्चों आप जानते ही होंगे कि पेड़ पौधों की तरह जानवरों से भी हमें कई सारी खाने की चीज़ें मिलती हैं फूड फ्रॉम एनिमल्स आर मीट एग्स मिल्क एंड हनी चिल्ड्रन मैनी पीपल लिविंग इन द कोस्टल एरियाज कंज्यूम फिश एज ए मेजर पार्ट ऑफ देयर डाइट बच्चों जो समुद्र किनारे रहने वाले लोग होते हैं वो लोग ज़्यादातर अपने खाने में मछली का सेवन करते हैं